विश्व के लोगों के बीच जल संरक्षण और उसका रख रखाव को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 मार्च 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे विश्व जल दिवस हर साल मनाया जाता है पूरे विश्व में, और यह इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, उसका रख रखाव को कैसे रखना चाहिए और इसका जो सदुपयोग है वो किस प्रकार से करें ताकि जल बची रहे, जल का सदुपयोग हो। तो इसी सभी को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए ही 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है और वहाँ से सारी चीज़ों को देख लेना है। और हर साल कुछ ना कुछ थीम के साथ मनाया जाता है, तो पिछले वर्ष का थीम क्या था वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर के सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं वर्ल्ड वाटर डे 2022 यानी कि 22 मार्च का जो है विश्व जल दिवस उसके बारे में। पानी की कमी लगभग पूरी दुनिया में एक समस्या बन गया है, इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। दोस्तों पानी की जो कमी है वह लगभग पूरी दुनिया में है और दिन प्रतिदिन पानी की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, तो इसके लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। पूरी पृथ्वी पर बहुत सी ऐसी आबादी है जिन्हें साफ पानी नहीं मिलता है, जबकि पूरी पृथ्वी पर 71% जल है। दोस्तों अगर हम बात करें पूरी पृथ्वी में तो 71% जल है, वाटर है, लेकिन ऐसी बहुत सी आबादी हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता है। मनुष्यों को भी नहीं मिल पाती है, ना तो पशुओं को भी मिल पाती है, मतलब साफ पानी नहीं मिलती है जबकि 71% वाटर है पूरे पृथ्वी में। तो ये भी एक गंभीर समस्या है, और साफ पानी नहीं मिलने के कारण से बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसीलिए साफ पानी का मिलना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं थीम के बारे में, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ थीम के साथ मनाया जाता है। तो 2022 यानी कि 2022 की जो थीम है वह है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो इंग्लिश में हम लोग इसे कहेंगे ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। हिंदी में है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। तो यह है इस बार का जो थीम, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अदृश्य को दृश्यमान बनाना, भूजल जो कि है हिंदी में। अगर हम बात करें 2021 का थीम क्या था, तो 2021 का जो थीम था वह था वैल्यूइंग वाटर। तो ये 2021 का थीम है वैल्यूइंग वाटर, और अभी 2022 का जो थीम है वह तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। तो यह है इस वर्ष का थीम। तो दोस्तों हमें भी चाहिए कि साफ जल सभी को मिल सके, इसके लिए हमें हो सके जितने अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि सदुपयोग हो और इसका जो रखरखाव हो वो भी अच्छे तरीके से हो, ज़्यादा बर्बादी ना हो, क्योंकि भावी पीढ़ी को भी साफ जल मिलना अति आवश्यक है। तो इसी कारण से हमें लोगों के बीच में जागरूकता और जागरूक होने की ज़रूरत है, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वर्ष का जो थीम है उस थीम को भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, हो सकता है आपके लिए एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। थैंक यू दोस्तों।